सारे के सारे इधर रख दो। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मम्मा ने बनाया बहुत ही मस्त पुट्टू के आटे के उत्तपम, इतने क्रेजी लग रहे हैं। और ये आलू और ये कुट्टू के पकौड़े नाश्ते में खाएंगे और उसके बाद आगे काम कुम चालू करते हैं। 6.5 hours later वेलकम टू द डे 116 ऑफ डेली व्लॉग। आज का दिन बहुत स्पेशल है, मैंने हेयर कट भी करवा लिया है, टाइटल और थंबनेल से आपने देख लिया होगा। आज हमारा चौथा प्ले बटन आया है, उसको अनबॉक्स करेंगे। आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 11 अक्टूबर का दिन भाई, अभी जो है काफी देर से मैं लगा हुआ था, ढूंढ रहा था कहीं इधर उधर कहीं तो मिल जाए, पर अभी कहीं पे भी नहीं मिला। आईफोन 13 मिल रहा है, 13 प्रो मिल रहा है, 13 प्रो मैक्स नहीं मिला। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, लोगों ने बोला जयपुर में मिल रहा है, मतलब नॉन मेट्रो सिटीज में मिल रहा है, बट उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और एक दुबई का तो अभी कोई, सब लोग दुबई 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 बोली जा रहे, दुबई से नहीं लेना, इंडिया से ही लेना, क्यों लेना वो बाद में बताएंगे। चलो छोड़ो वो, उसको देखते हैं। चलो इसका अभी तो आओ भाई प्ले बटन अनबॉक्स करें। यार कहीं प्रो मैक्स मिल ही नहीं रहा, मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। दुबई जाए, दुबई अभी तो मना कर रहा था, कैमरे पे दुबई जाओ, दुबई नहीं ना, यही तो एक बार जब प्रो मैक्स अनबॉक्स कर रहे होंगे ना तो बताएंगे कि दुबई क्यों नहीं ले रहे दुबई से। और वो मैसेज आए थे दो तीन, किसी ने एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, किसी ने दुबई के प्राइजेस लिखे और नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कस्टम चार्ज एक्स्ट्रा, कस्टम ड्यूटी। फिर एक ही तो बात होगी, कस्टम ड्यूटी अगर दुबई के उस पर आईफोन पे दोगे, मतलब अगर किसी से वैसे मंगवाओगे तो जैसे एक बंदा 4-5 आईफोन ले आए, फिर तो दुबई का आईफोन महंगा ही मिलेगा। और अभी तो बाद में बताएंगे, चलो वो तो कहानी अभी नहीं, कहानी बाद में डिस्क्लोज होगी, अभी इसको खोलना है। भाई डूइंग जस्ट नॉर्मल भाई थिंग्स, जो भाई हर हमेशा करता है, कुछ अलग नहीं कर रहा आज। वो नेटफ्लिक्स के सीक्रेट गेम्स वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज सबमरीनिंग कप, इसमें गूगल होता है। हाँ इधर कर दो ना, कल परसों मेरी अलमारी आ जाएगी तो ये सामान मैं इसको साफ करूंगा ना, अभी इसको एकदम मस्त प्योर कर दो। इससे खुशबू आ जाती है, इससे मच्छर मक्खर वगैरह भी भाग जाते हैं, और इसे फेक एक्सेंट भी आ जाता है। आप कौन सी सीरीज देख रहे हो आजकल? मैं कल के ब्लॉग के कमेंट्स देखो, जो आज ब्लॉग डाला ना उसके कमेंट्स देखो, मैंने कल देखी थी वो Z5 पे, वो सनफ्लावर नहीं आ रखी, स्क्विड गेम देखना, कमेंट्स में भी काफी लोगों ने देखा, मैंने ब्लॉग के नीचे पढ़ा, थोड़ी ओवररेटेड है बट स्टिल आज लोगों ने और भी बहुत सारे सजेशन भेजे आज के ब्लॉग में, पढ़ना। व्हाट इज दिस, खेले नहीं करते इसके साथ, जितना बड़ा ना उतना ही बच्चा है तुम। बट ही इज डूइंग, खाने को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस, सारा दिन खाना भी खा लिया कर, रिकॉर्ड ही करता रहता है, ऑलवेज रिकॉर्डिंग फूड, दैट इज हाउ माय 9-to-5 जॉब गोस। 9-to-5 जॉब कोई नहीं होती, 9-to अपने काम में 24 घंटे काम ही काम है, काम ही काम जी नहीं, अगर आप काम को काम समझते हो तो फिर काम है, अगर काम से प्रेम करते हो तो फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इफ यू लव योर वर्क यू डोंट हैव टू वर्क। वाह वाह वाह, इसलिए मैं अपना काम को पसंद ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं 24 घंटे शूटिंग करते रहता हूँ। अगर वो बोल रहे यार इतना काम किद्दा कर लिया, आई लव माई जॉब, सो व्हेन आई एम वर्किंग आई डोंट फील आई एम वर्किंग, आई फील आई एम एंजॉयिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए वो काम करो जो आप एंजॉय कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो जो काम करो उसमें एंजॉयमेंट ढूंढो। हाँ तो जैसे शूटिंग वाला तन में एंजॉय करते हो और एडिटिंग वाला तन में एंजॉयमेंट ढूंढता है। यस यस, बाकी वो काम करो कि जिस जो तुम एंजॉय करते हो, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई काम ऐसा है कि जो आप एंजॉय नहीं करते, तो उस काम में एंजॉयमेंट ढूंढो, लेकिन एंजॉयमेंट जरूर ढूंढो। एग्जैक्टली चलो कड़ी चावल खाओ आप भी, कुट्टू के आटे की कड़ी। मेरे को ये व्रत वाली कड़ी ना बहुत पसंद आती है, व्रत का खाना, जैसे कल पापा बता रहे थे ना कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, मतलब पता नहीं व्रत का खाना थोड़ा सा ना बॉडी को, मतलब एक्चुअली क्या है ना, रोज गेहूं का आटा खाने की आदत होती है, फिर आप एक हफ्ता सामक का आटा कुट्टू का आटा खाते हो, साबूदाना खाते हो, तो बॉडी को, जैसे आप राजस्थान कभी जाते हो ना, जैसे अब जो बंदा राजस्थान में रहता है उसको आदत होती है बाजरे की रोटी खाने की, दिल्ली वाला बंदा राजस्थान में जाके पहली बार चौकी ढानी जाता है ना, उसको पेट एकदम ऐसे हैवी सा लगता है, चाहे वो दो रोटी खाए या बहुत थोड़ा सा खाना खाए, पर उसको हैवीनेस ज़रूर लगती है वो, क्योंकि ना बॉडी को आदत नहीं होती वो चीज़ खाने की। और एक तो नवरात्रों में ना पता नहीं क्या खाना कम खाते हैं, क्या होता क्या नहीं होता, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, बट अब मेरे को लग रहा है धीरे धीरे जो है ना सर्दी आ रही है, सर्दी धीरे धीरे आ रही है, कल AC जो है ना
चार घंटे बिना एसी चलाए मैं आराम से पंखा भी एक नंबर पे चला के बैठा हुआ था और मौसम एकदम मट्ठा मट्ठा सा लग रहा था। अपनी ये क्विल्ट लेके बैठा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठा हुआ था, क्विल्ट लेके बैठा हुआ था और उसके अंदर भी अगर मट्ठा मट्ठा मौसम लग रहा है तो मतलब थोड़ा मौसम सर्दी आ रही है। मतलब ये रहा हमारा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन बॉक्सिंग कुकिंग बाजी की। ओ तालियां तालियां तालियां, क्या बात है। ऐसे छोले भटूरे वाली रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद, सुपर डुपर हिट होगी वो तो। ये है जी, साथ में पत्र आया है, अप्रिसिएशन लेटर। ला जी ये हमारा फोर्थ ये प्ले बटन पकड़ो जी आपने ऐसे। कैसा लग रहा है? फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, कुकिंग पाजी व्यूअर्स, थैंक्स टू ऑल। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? पापा का, रेसिपी खाने का। बिल्कुल, पर लोगों के इतने आ रहे हैं, वो आंटी का सांभर दिखाओ, आंटी की दाल दिखाओ, आंटी के ये लड्डू दिखाओ। लोग तो बोल रहे हैं कि कुकिंग पाजी पे भाई की रेसिपी आ गई, मम्मी की आ गई, मेरी 100 के आ गई, अब आपकी 100 के वाली रेसिपी पापा की नहीं आई। ये अभी इनकम्प्लीट सा लग रहा है, वो बाकी वाले भी लेके आओ जरा। जाओ लेकर आओ, नहीं वो आप वो हाइट ऊपर है ना, वो आप लेके आओ ना। सबसे पहले बटन आया था ये वाला वेजी पाजी का सिल्वर प्ले बटन, और जब ये वाला आया था ना उसका अलग ही खुशी थी, वो अलग ही टाइम था, मेडन था फर्स्ट। ये नंबर टू पे ये वाला आया था ट्रैवलिंग पाजी का सिल्वर प्ले बटन, यस। उसके बाद हम लोगों ने खोला था कुकिंग पाजी, पर ये वाला बटन लेट आया था, फिर आए ये वाले बटन, ये वेजी पाजी का गोल्ड बटन, गोल्ड बटन, वाह। और फिर आया हमारा कुकिंग पाजी का सबसे लेटेस्ट वाला बटन, लेटेस्ट लेटेस्ट मेरे हाथ। सारे के सारे इधर रख दो, ये ना। ऑल द फोर बटन्स, नाइस। अब इसकी पार्टी तो हम कर चुके हैं, फोर्टी संडे में वो पिज्जा खिलाना आपने। हाँ, अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो नवरात्रि के बाद पिज्जा, और तूने पहले बनाया था मोमो वाला। हाँ, तो अब नवरात्रि खत्म हो जाएंगे परसों, फिर मोमो भी खिलाना, पिज्जा भी खिलाना, सब खिलाना, मोमो पिज्जा सब खाएंगे। ये सारे देखने हैं कहाँ लगाने हैं, घर में सबको एक साथ लगाएंगे ताकि रोज उठ के इनको देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, है ना। यस, आने वाले 2-3 व्लॉग्स में इनको लगा के आपको दिखाएंगे कैसी लुक आ रही है। क्वालिटी डे, थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ देम। ये कुकिंग पाजी में तो भाई जोरदार है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब बढ़िया बढ़िया मस्त व्यंजन खाते रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, इंजॉय करते रहे। सबसे बड़ी एक अच्छी बात है कि व्हेन पीपल गिव फीडबैक कि वी हैव मेड इट इन सच ए इजी मैनर, और फिर उसके बाद हमारे रिजल्ट मिले, दैट इज द बिगेस्ट फीडबैक। चलो अब नेक्स्ट टास्क है इसको और इसको ये वाला करना। यस, हो जाए, वर्क इन प्रोग्रेस, चली जा रही है। अब ये जो हम लोगों ने सारे प्ले बटन खोले थे इनको वापस पैक कर रहे हैं, जब तक इनकी अच्छे से पोजीशनिंग नहीं हो जाएगी और बढ़िया जगह पे ना लग जाए, बैक टू सेफ हाउस। एक बात आपको बताऊं, ये जो ये वाला लेटर है ये 100 के का है, ये 1 मिलियन का है, इन पे नाम नहीं लिखे होते। अब यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो देख रहे थे पहले कौन सा किसका लेटर, फिर बाद में देखा किसी पे नाम ही नहीं लिखा। चलो अब वो वॉल ऑफ फेम जो हमने बनाई है ना उसको अच्छे से बनाएंगे ना। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट दोस्तों। आज का ब्लॉग टाइम पे खत्म करेंगे, टाइम से सो जाएंगे, टाइम से सो जाना बड़ा आजकल, आप लेट सोते हो मेरे को सुनने में आया। हाँ, आपके भी ब्लॉग बनने चाहिए ताकि पता चले आप कितने बजे सोते हो, मेरा तो पता चल जाता है, आपका पता चले। बड़ी डिसिप्लिन लाइफ है, कैसे वाला? कैसे, 3 बजे सोता हूँ, 10 बजे उठता हूँ। ये गलत चीजें बच्चों को नहीं सिखानी। नहीं, ऐसे बोलते हैं आजकल के बच्चे, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। गुड नाइट। काफी ज्यादा ये हो रहा है, ये बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है यार, गलत बात है, मतलब 3 बजे तो नहीं सोता मैं। गुड नाइट दोस्तों, व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पे। किसी को पता है अगर प्रो मैक्स कहाँ पे मिल रहा है, अभी अवेलेबल है, प्रो नहीं, प्रो मैक्स, तो बता देना यार।